स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए, आज मैंने थोड़ा गैप के बाद क्लास ली है और उसका रीज़न कुछ खास नहीं था, बस ये कि थोड़ा सा इस समय व्यस्तता चल रही है। तो आज की क्लास जो है वो स्पेशली मॉडल वर्ब पर है, जिसको हम मॉडल्स कहते हैं। तो मैंने उसको उसके पूरे प्रकार और उसकी ओरिजिन का मतलब कैसे बनता है, क्योंकि देखो देखा ये गया है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं इनके प्रयोग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं। कहाँ पे कैन लगेगा, कहाँ पे मस्ट लगेगा, कहाँ पे नीड लगेगा, कहाँ पे डेयर लगेगा और कहाँ पे शुड लगेगा, कहाँ पर ऑट टू लगेगा। तो इस तरह से इनमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है कि एक ये भी टॉपिक लेना चाहिए जिससे कि बच्चों को इसमें आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे पे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और जुड़े रहेंगे तो इस वीडियो के बाद, पहली बात तो जो मॉडल्स के बारे में एक अज्ञानता या हम ये कहें कि थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न जो रहता है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं 1x1 वीडियो डेवलप करूँगा जिससे कि आपको वो सारे वीडियोस और सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। और इनकी मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, तो सारे वीडियोस मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जो मॉडल से रिलेटेड होंगे। तो बिल्कुल बिगिनिंग से चलेंगे, तो आपको जब शुरुआत से सब चीज़ मिलेगी इसमें तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, और फिर भी होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं अगर उन्होंने अपना चैनल न सब्सक्राइब किया हो तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम से हर एक वीडियो अब तक पहुंचता रहे। वीडियो जो देख रहे हैं सभी पहले से ही उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब हम जानते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, वर्ब जिसका मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है करना, और करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई जो वस्तु है, व्यक्ति है, प्राणी है, कोई ना कोई एक्शन करता है। तो जिनको हम कहते हैं कि डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। जो भी कर्म या क्रिया या एक्शन, क्रियाशीलता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वही वर्ब्स होते हैं। तो चलिए, वर्ब की डिफिनीशन ज़्यादातर सभी बच्चों को पता रहता है। वर्ब को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब माने होता है मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब माने होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, और इसका मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, तो वो हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसका मतलब है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रियाएं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब है अकर्मक क्रियाएं। फिर यहाँ पर देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब माने सहायक क्रिया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को कहते हैं प्राथमिक, सहायक क्रियाएं, और मॉडल ऑक्सिलरीज को कहते हैं शैली विषयक
सहायक क्रियाएं। और मुझे पता है कि जब मैं ये लिख रहा था, जो वर्ब लिखा है यहाँ पर क्रिया, तो यहाँ पर बच्चों को कोई आश्चर्यजनक नहीं लगा होगा कोई भी बात, और जब मैं ये लिख रहा था तब भी आपको कुछ नया नहीं समझ में आया होगा। जब मैं ये लिख रहा था तब भी इसमें आपको कोई नयापन नहीं लगा होगा, इसमें भी नहीं लगा होगा, और जब मैंने ये लिखा तब इसमें भी नहीं लगा होगा, जब मैंने ये लिखा तब भी नहीं लगा होगा, लेकिन जब मैंने ये लिखा होगा या लिखने से पहले ये ज़रूर महसूस किया होगा कि सर इसमें क्या लिखेंगे। तो मैं जानता हूँ ना कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहीं पर जो मॉडल अक्सिलरीज को मैंने शैली विषयक सहायक क्रिया लिखा है, तो मुझे पता है कि यही वो स्पॉट है जहाँ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, सोचना पड़ता है कि मॉडल की हिंदी क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं। तो बस हम इसी स्पॉट से स्टार्ट करेंगे अपनी बात, क्योंकि ये सब आप सब जानते हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसके साथ कर्म दिया रहता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिनके साथ कर्म नहीं दिया रहता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। प्राथमिक सहायक क्रियाएं हमारी कौन कौन सी हैं? प्राथमिक सहायक क्रिया है बी और डू और क्या है, हैव। ये आपकी प्राथमिक सहायक क्रियाएं हैं। अब जैसे हमने लिख दिया द ट्रेन रन्स, द ट्रेन रन्स, ठीक, और हमने लिख दिया द ड्राइवर runs the train, the train fast, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए the train runs, गाड़ी यानी रेलगाड़ी तेज दौड़ती है, ये runs fast लिया जाए बहुत तेज, मतलब the train runs fast कर दिया यहां पे, गाड़ी तेज दौड़ती है, और यहाँ लिखा द ड्राइवर रन्स द ट्रेन फास्ट, ड्राइवर गाड़ी को तेज दौड़ाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है ये वर्ब है, और ये आपका एडवर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए, सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना पड़ेगा, चाहे जिस कंडीशन में हो चाहे जिस रूप में हो। और अगर वो ऑब्जेक्ट बनना चाहता है तो चाहे वो प्रोनाउन हो और चाहे वो नाउन हो, उसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने के लिए ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये आपकी जो वर्ब है ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एडवर्ब है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि द ट्रेन अर्थात ये कोई एक वस्तु है, कोई चीज़ है, ये इस वजह से ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर जब इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये वर्ब आपकी कौन सी हो गई, ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब और ये इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बिना कर्म की जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, और जिस वर्ब के साथ कर्म जुड़ा है या दिया है वो ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं, चूंकि इनकी डिटेल्स बहुत बड़ी है, लेकिन ये है कि मैंने, मेरा टॉपिक ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ना ही मेरा टॉपिक कोई वर्ब को लेकर चलना है। मुझे इसकी ब्रांचेस इसलिए दिखानी पड़ी ताकि आपको ये बेस मिल जाए कि मॉडल वर्ब की ओरिजिन क्या है, कहाँ से। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये बताऊँगा कि मॉडल वर्ब की ओरिजिन क्या है,
कहाँ से चलता है और इसकी मीनिंग क्या होती है और ये कितने होते हैं और इनका यूज क्या है। तो चूंकि ये पार्ट वन रहेगा इसलिए यहाँ से आपको समझने में मदद मिलेगी कि मॉडल वर्ब हमारा किसका पार्ट है और कहाँ से आया हुआ है। फिर जाकर इसकी हम मीनिंग देखेंगे, फिर हम इसकी ओरिजिन देखेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसी होती है। तो इसके लिए आपको इसके सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे, तब आप, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि अगर इसके सारे पार्ट्स आप देख लोगे तो फिर मॉडल वर्ब्स के यूज़ में आपको संभवतः कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। तो मॉडल लिखा हुआ है शैली विषयक सहायक क्रियाएं। तो मॉडल को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, जो शुरुआती दौर पे जो आती हैं, हम जो प्रारंभिक स्तर से पढ़ते हैं इनको मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्यों शुरुआती इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ माई हाउस, ही इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ काउ, जो वो हम ये पढ़ते हैं, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक, ऐसे पढ़ते हैं, आई हैव टू डॉग्स, आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेंसिल्स, ऐसे करके, ही हैज़ अ डॉगी, ऐसे करके जो पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जैसे डू या डज पढ़ते हैं, ठीक है ना, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है और ये होती हैं तीन, यानी बी, डू और हैव। फिर इनकी फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद बीन आ जाएगा इसी में, फिर बींग आ जाएगा, तो ऐसे करके इसकी फॉर्म होती है। डू की फॉर्म डू, डज, डिड। हैव की हैव, हैज और हैड। तो बस यही इस इनकी प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज है उनकी फॉर्म्स हैं और इनको हम फॉर्मली पढ़ते हैं, औपचारिक तौर पे पढ़ते हैं। कुछ भी मतलब बोलना है, ज़्यादातर स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस हो या हम मतलब ऐसी एकेडमिक इंग्लिश पढ़ें या फिर स्पोकन इंग्लिश पढ़ें, हमें इनकी ही स्टार्टिंग चाहिए होती है। अब हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम बिल्कुल अलग से बिल्कुल नया सेट यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये हो गया शैली विषयक सहायक क्रियाएं। सबसे पहले ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये है कि मॉडल जो हम वर्ब्स पढ़ते हैं उनकी ओरिजिन क्या है। एक्चुअली लैटिन भाषा में इसको मॉडस कहा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद मेडवियल लैटिन में इसे क्या कहा जाता है, मॉडलिस कहा जाता है, मॉडलिस। फिर इसके बाद आपका ब्रिटिश में इसको मॉडल कहा जाता है। यह है इसकी ओरिजिन, मतलब ये आपका जो आया, ठीक है ना, ये मोड से आया जो 16th सेंचुरी में इसको यूज में लाया गया, 16th सेंचुरी में मोड को, ये जो मोड लिखा है। देखिए समझना है जरूरी मोड को, क्योंकि मोड से ही मॉडल बना है। अगर आपको मोड समझ में आ गया तो आपको मॉडल समझने में देर नहीं लगेगी, बस ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले मोड को समझते हैं कि क्या है। तो ये देखिए लैटिन में इसको मोडस कहा गया, मिडवेल लैटिन में जो मध्ययुगीन लैटिन लैंग्वेज आई यूज में, तब मॉडलिस कहा गया, ठीक है ना। और एक्चुअली ये मोडलिटी जो होती है ये इसी की उपज है, मोडलिटी। और मोडलिटी का मतलब होता है रूप विषयक
या फिर हम ये कह सकते हैं साधन साधन या तरीका, ठीक, ये सारी मॉडेलिटी, मतलब ये आपका मॉडेलिटी से, तो साधन है, तरीका है, ढंग है, शैली है, भाव है। तो अब वही चर्चा हम यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं कि मॉडल जो बना वो किस मूल शब्द से बना, हमको उसको देखना है। आप जानते हो मूड को, ठीक है ना, मूड, मूड का मतलब क्या होता है, भाव, भाव हो गया, शैली हो गया, शैली या फिर तरीका हो गया या फिर साधन हो गया, ये सब इसकी मीनिंग है। मूड और जो मोड है वो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इसमें जाकर के ये मीनिंग, ये मीनिंग, ये मीनिंग और इसके बाद ये मीनिंग, ये सारी मीनिंग इसके अंदर है। अब मोड माने भाव, वो क्यों, क्योंकि मूड से ही ये बना है। जैसे कहते हैं कि मूड, मूड कैसा है, लोग पूछ देते आज मूड कैसा है, मूड कैसा है मतलब उसके अंदर की स्थिति कैसी है। भाई उसने कह दिया जैसे मूड खराब है, मूड खराब है का मतलब ये है कि अंदर की स्थिति सही नहीं है, मन स्थिति सही नहीं है। तो मूड का मतलब होता है मन स्थिति, मन स्थिति का मतलब होता है मन का भाव। मूड अच्छा नहीं है, अरे मूड खराब हो गया, तो मतलब मूड खराब हो गया क्या मतलब हो गया, जो हमारी मानसिक दशा है, मतलब पर्टेनिंग टू मेंटल स्टेट, अर्थात मानसिक स्थिति से इसका संबंध है। तो भाव खराब हो गया, और भाव खराब होने का मतलब दूसरा आजकल जो लोग लेते हैं यहाँ, उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। मतलब मूड का मतलब है कि मन की दशा खराब हो गई, जो हमारा इतना अच्छा मूड था अब वो बिगड़ गया, एब्सेंट हो गया, तो वो मूड की यहाँ पर बात की जा रही है। और मूड से बना मोड, और मोड का मतलब क्या है, भाव है, शैली है, तरीका है और साधन है। अब जैसे हम एक यूज ले लें, ठीक है ना, ही प्रिफर्ड, ही प्रिफर्ड मोड ऑफ नेट बैंकिंग फॉर रिसीविंग कैश, या मनी लिख सकते हैं, मतलब धन प्राप्त करने के लिए उसने नेट बैंकिंग का मोड प्रेफर किया। कौन सा मोड प्रेफर किया, मतलब नगद दे सकता है, हैंड टू हैंड बैंक से दे सकता है, चेक से दे सकता है, और ये नेट बैंकिंग मतलब जो पेटीएम होता है, भीम ऐप होता है, या अन्य किसी माध्यम से वो प्रिफर करता है। तो मोबाइल बैंकिंग से धन प्राप्त करने वाला मोड, तो देखिए मोड ऑफ नेट बैंकिंग, मोड ऑफ नेट, जैसे हम कहते हैं ही प्रिफर्ड, ही प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रेवल बाई बस, या बाई बस हो या बाई ट्रेन हो, ठीक है ना, तो मतलब ये ना ट्रेन से यात्रा करने के तरीके को उसने पसंद किया। मतलब बस में बहुत भीड़ भाड़ या अन्य किसी में बहुत भीड़ भाड़, तो उसने ना ट्रेन ज्यादा सही रहेगी। ही प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रेवल बाई शिप, ही प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रेवल बाई एयर, ही प्रिफर्ड मोड ऑफ नेट बैंकिंग, ही प्रिफर्ड मोड ऑफ चेक सिस्टम फॉर रिसीविंग मनी। मोड यहाँ समझना है, पहले मोड समझिए, तो मोड का मतलब क्या है, साधन, तरीका, शैली, भाव, किस तरीके से धन लेना पसंद किया, नेट बैंकिंग तरीके से, किस तरीके से यात्रा करना पसंद किया, मतलब ट्रेन की यात्रा वाले तरीके से, तो ट्रेन में यात्रा करने का तरीका उसको पसंद है, ट्रेन में यात्रा करने का, एयर यानी जो एरोप्लेन है उससे यात्रा करने का तरीका उसको पसंद आया। यहाँ पर नेट बैंकिंग मतलब उसको ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए, कोई मतलब टेंशन नहीं चाहिए,
मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो मनी, तो मतलब मोड ऑफ नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग वाला तरीका, नेट बैंकिंग वाला साधन, नेट बैंकिंग वाली शैली वो उसका पसंद आया, तो वही शैली और तरीका जो साधन है उसी का सेंस होता है भाव। ये 5 सेंसेस को ज्यादा कवर करती है। तो कौन सा भाव, किस भाव में हो आप, किस मूड में हो आप, वो जरा किस शैली में हो आप, तो वो आपको मोड दर्शाता है, वही आपका मोड है। और मोड से बना ये मूड और मोड, और इसके बाद बन गया मॉडल, क्योंकि मैं मॉडलिटी पहले बता चुका हूं। तो ये चीज इसमें ये है और इसमें ये है इसकी ओरिजिन, जो मॉडल की ओरिजिन है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखो यही वो जड़ है जहां से आपको मॉडल्स मिल रहे हैं, और इस चीज को दिमाग में रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जानने की इच्छा रखते हैं कि मॉडल का मीनिंग क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं, इसकी डेप्थ क्या होती है, इसका बेस क्या होता है। तो इसका बेस मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें जो मॉडल होते हैं इनमें क्या क्या, किस किस तरह के सेंस होते हैं, इसमें किस किस तरह के भाव होते हैं, इसमें जैसे आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा, फिर इसके बाद आपको इसमें एडवाइस मिलेगा, इसमें फिर आपको पॉसिबिलिटी और इसमें एबिलिटी मिलेगी आपको, इसमें कैपेसिटी मिलेगी आपको, इसमें आपको ऑब्लिगेशन मिलेगा, इसमें आपको डिटर्मिनेशन मिलेगा, मतलब इस तरह से इसमें इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, इसमें आपको ड्यूटी मिलेगा, ये सारी चीजें इस तरह के सेंस मिलेंगे सेंस। अब देखिए कोई जो बात होती है ना, आदमी उसको किस भाव में कहता है, किसी ने यू शुड डू इट, किसी ने कहा यू शुड डू इट, आपको ये करना चाहिए, कोई कहता है यू मस्ट डू इट, मतलब आपका ये करना जरूरी है, आपको इसे अवश्य करना चाहिए, मूड चेंज हो गया ना, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, अब मैं इसे कर सकता हूं, अर्थात मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, अर्थात मैं इसे अवश्य करूंगा, आई मे डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, शायद, कोई पक्का तो नहीं कह रहा। आपको यहां पर क्या महसूस हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप ये फील कर रहे हो कि हर मॉडल के चेंज होने पर मूड चेंज हो रहा है, मतलब आपकी बातचीत का मोड चेंज हो रहा है, आई कैन डू इट, आई मे डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट, आई शुड डू इट, आई शुड डू इट, मुझे ये करना चाहिए, आई मस्ट डू इट, मुझे इसे अवश्य करना चाहिए, आई मे डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, शायद कर सकता हूं, कोई गारंटी नहीं है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, अर्थात अवश्य कर सकता हूं, यानी ये मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं इसे कर सकता हूं। तो किस तरह से यहां पर चेंज हो रहा है जो मूड, वो चीज आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इसी वजह से इसका नाम मॉडल है। तो मॉडल बना है मूड से, मूड से वही जो मोड होता है वही मूड, और मोड एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इतने इतनी सारी चीजें मिलेंगी, आपको इसमें नेसेसिटी मिलेगी, मतलब अनिवार्यता मिलेगी, ठीक, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर मिलेंगी, और ये सब क्या है, ये सब सेंस है, ये सब भाव है, कैपेसिटी का सेंस, ड्यूटी का सेंस, डिटर्मिनेशन का सेंस, ऑब्लिगेशन का सेंस, नेसेसिटी का सेंस, एडवाइस का सेंस, पॉसिबिलिटी का सेंस, ऑर्डर का सेंस, ये सब आपको मिलेगा। तो ये था आपको मॉडल और जो उसकी ओरिजिन। अब हम देखते हैं कि इनके प्रकार कितने हैं, मॉडल्स के कितने प्रकार हैं।
तो काइंड्स ऑफ मॉडल्स, काइंड्स ऑफ मॉडल्स, चलिए बता दीजिए आप ही कितने होते हैं, सोच के बताना। 7, 10, 9, 11, 13, 15 कितने होते हैं देख लीजिए कितने होते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 कितने होते हैं, 13 होते हैं, अर्थात आपका विल होता है। फिर विल के बाद आपका वुड होता है, फिर शैल होता है, फिर आपका शुड होता है, और कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, और माइट होता है, मस्ट होता है, और ऑट होता है, फिर इसके बाद होता है नीड, फिर इसके बाद होता है डेयर, और फिर होता है यूज्ड टू। ऑट में ऑट टू लगा सकते हो। ये आपके वो 13 मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में होता है, और ये सभी डिपेंड हैं, ये सारे के सारे डिपेंड हैं आपके किसमें, मोड में। मोड मतलब शैली और या फिर भाव, शैली या भाव पे डिपेंड है ये भाव पे, और फिर इसी से बन गया आपका मॉडल्स। मॉडल वर्ब, ये थी आपकी ओरिजिन। तो ये देखिए 13 मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, विल वुड होता है, शैल शुड होता है, कैन कुड होता है, मे माइट होता है, मस्ट होता है, ऑट होता है, नीड होता है, और ये डेयर होता है, और इसके बाद यूज्ड होता है। तो अब मैं देखता हूँ कि ज्यादातर बच्चे विल, शैल, वुड और शुड, कैन और कुड, मे और माइट, इनका प्रयोग ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मस्ट का भी पढ़ते हैं, ऑट टू का भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, यूज्ड टू का भी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ये उनके प्रैक्टिस में रहता है, ये 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 भी रहता है, ये सब प्रैक्टिस में रहते हैं। अगर हम जनरली देखें तो थोड़ा थोड़ा जो बेसिकली उनका नॉलेज है वो इन सब के बारे में कहीं ना कहीं पर पढ़ते रहते हैं और उनका यूज करते रहते हैं। अब इसमें स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात जानते हो क्या है? स्पेशल बात ये है कि इनमें जो इनकी लॉजिक है, डीप कॉन्सेप्ट है, वो उनको नहीं पता रहता है, तो इसलिए ये क्लास पढ़नी जरूरी है। खास दो पॉइंट मैंने छोड़ दिए जो तुमने देखा है यहाँ पे, कि मैंने नीड और डेयर को यहाँ पर टिक नहीं किया, क्योंकि नीड और डेयर को हम दो तरह से पढ़ते हैं। ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, बट हम नीड और डेयर को सिर्फ मॉडल वर्ब की तरह ही यूज नहीं करते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और प्रयोग है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है। दूसरा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यूज है। अब समस्या ये आती है कि अगर मैं इस वीडियो में आज ही उठा लेता हूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे समझ में, इसलिए आपको करना होगा वेट अगले वीडियो के लिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि नीड और डेयर का यूज क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉडल वर्ब के अलावा इसका और एक डिफरेंट नेम क्या होता है। और अगर कोई बच्चे इसका नाम जानते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि उनको सिर्फ नाम बताना है, बाकी का एक्सप्लेनेशन इसमें मैं खुद करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में एक बात मैं बता देता हूँ,
कि एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कमेंट में फिजिक्स वाला, तो मुझे अब लास्ट में याद आया, तो अब मैं अगर लास्ट में बताता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए अच्छा बता देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में अगर बताता तो उसको पता चल जाता, लेकिन असल में मुझे याद नहीं रहा। अब मैं अगर अगले वीडियो करूँगा और फिर उसमें ना याद रहे तो फिर वही बात हो जाएगी, इसलिए एक मिनट सिर्फ, ठीक है ना। एक मिनट देखिए, उसने फिजिक्स उसमें लिखा था, माई फिजिक्स आर वेरी वीक, ऐसे करके कहा था। फिर उसने लिखा था, माई फिजिक्स आर वेरी वीक, और उसने पूछा था, ठीक है ना, ये स्टूडेंट की सॉल्यूशन है, हालांकि मुझे इसे अलग से देना चाहिए बट मैं नहीं दे पाया, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको फिजिक्स का जो वर्ड है वो समझाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद है, देखो ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी विषय, विषय। इसके बाद जो फिजिक है इसका मतलब होता है दवा, यानी ये मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये फिजिक का मतलब होता है शारीरिक रचना, शारीरिक रचना, जिसका मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक। अब यहां पर देखना ये है, पहले तो ये समझना है आपको, फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है ना, और फिजिक दवा, और फिजिक, और ये उस समय आपने देखा होगा जब मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड स्टार्टिंग वाले वीडियोस में, कई वीडियोस मैंने डाले थे जिनमें इसको मैंने एक्सप्लेन जरूर किया होगा, होमोफोन्स के बेस पर, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो मैंने दिए थे, तो बहुत सारे मैंने बताए थे और कई वीडियो में बताए थे, वहाँ पर मैंने बताया होगा। अब हम इसकी बात यहाँ पर थोड़ा सा इनको हटा करके इसको लेते हैं, तो देखिए ये एक सब्जेक्ट भी होता है, दूसरा ये एक, ठीक है ना, क्या होता है, एबिलिटीज ऑफ, एबिलिटीज ऑफ फिजिक्स। अब ये विषय नहीं रहा, अब ये विषय नहीं रहा, अब ये रहा ये कि फिजिक्स सब्जेक्ट में जो आपकी कैपेसिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, जो अप्रोचेस हैं, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है फिजिक्स का, वो दर्शाता है फिजिक्स। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर आपको ईजा करना होगा, और अगर हमको एबिलिटीज के रूप में लेना है, ठीक है ना, अगर हम फिजिक्स के रूप में लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो माई फिजिक्स इज वेरी वीक, ठीक है ना, और माई फिजिक्स आर वेरी वीक, तो ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। अब ये है कि अगर वो सिंटैक्स आपको देता है कि इसमें आप सिंटैक्स करिए, ठीक, तो आप कॉमन सेंस में समझिए कि अगर ये सेंटेंस वो आपको देता है कि करेक्ट करिए, तो फिर ये आपको यहाँ इज करना है, और अगर आपको इज लगा के देता है फिर कहता है ये करेक्ट करिए, तो आर कर देना है, वेरी सिंपल। लेकिन मीनिंग ये दोनों होती है, कैसे होती है, जैसे हम ये लिख देते हैं कि हिज पॉलिटिक्स ठीक आर डर्टी, अगर ये लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक, तो ये आपका ये नहीं कह रहा है कि उसका पॉलिटिक्स मतलब गंदा है, मतलब उसका विषय गंदा है, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा है। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी का मतलब है क्या, मतलब द क्वालिटीज ऑफ, द क्वालिटीज ऑफ हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी।
और अगर हम ये इसको कन्वर्ट कर दें, अगर हम इस सब्जेक्ट सेंटेंस को कन्वर्ट कर दें, इस सेंटेंस को, इसको अगर हम कन्वर्ट करें, तो जानते हो क्या बनेगा? इसी का क्या बनेगा? हिज एबिलिटीज, हिज एबिलिटीज, एबिलिटीज ऑफ फिजिक्स आर वेरी वीक। जरा इस सेंटेंस पर नजर डाल लीजिए, तो इस सेंटेंस की तरफ आप जाओगे, इस सेंटेंस की तरफ नहीं जाओगे। तो यहां पर जब कहेगा माई फिजिक्स आर वेरी वीक, तो हिज एबिलिटीज ऑफ फिजिक्स आर वेरी वीक। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में जो इसकी एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, वो कमजोर है। और जैसे हम कहते हैं हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, तो द क्वालिटीज ऑफ हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, अर्थात जो पॉलिटिक्स खेलने की उसकी जो तरीका है, गुण है, लक्षण है, वो बहुत गंदे हैं। गलत तरीके से पॉलिटिक्स खेलता है, गलत तरीके से राजनीति में मतलब अपने दांव पेच आजमाता है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस पर नजर डालिए करेक्शन के लिए, कि अगर वो ये सेंटेंस दे रहा है तो आपको इज करना है। तो जो अगर ऐसे लिखा है कहीं पर सेंटेंस, तो फिर समझिए ये उसको सब्जेक्ट को डिनोट करता है। और अगर ऐसा लिखा और कोई कह रहा है सही है, तो यू शुड बी एग्री देयर दैट दैट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि वो भी सेंटेंस पूरी तरह सही है। बट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट दैट हियर फिजिक्स मीन्स एबिलिटीज ऑफ फिजिक्स। तो नाउ आई थिंक दैट द पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो आपको यहां पर इस बात को समझना है, क्योंकि तीन तरह से मैंने शब्द बताया, पहले फिजिक्स बताया, फिजिक बताया और फिजिक बताया। इसके बाद मैंने दोनों फिजिक्स को यहां पे एक्सप्लेन किया कि यहां पर इस चीज को आपको समझना बेहद जरूरी है। बाकी ये कहना कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है, तो दोनों सेंटेंस सही है, मतलब ये वाला अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट को लेकर चलें, ठीक है ना, सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो ये सेंटेंस गलत है। फिर माई फिजिक्स इज वेरी वीक, मेरा मतलब वो फिर विषय, मेरा जो विषय है ना सब्जेक्ट फिजिक्स, वो कमजोर है। और फिजिक्स फिर आर लगता है, तो आप ये कह नहीं सकते हो कि ये गलत है। सही वो भी है, बट आपको ये जानना चाहिए कि वो सही कैसे, ठीक है। तो चल तो चले, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप मेरा चैनल, मेरे वीडियोस देखते रहिए और यूं भी लाभ उठाते रहिए। और अगले वीडियो में आपको नीट एंड डेयर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टोटल इलाज उसका ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।